भी ब्रांच का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सब लोग एलिजिबल हैं. सो दैट मेक्स इट वेरी यूनिक. लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ इंटरव्यू में, क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट. स्पीड बढ़ानी होती, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आप 5 मिनट में कर रहे हो तो, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी करने हैं, राइट. Hi everyone, my name is Yogesh and today in this video we are going to talk about how to get a job at Goldman Sachs and we are going to see like what are the important things that we need to do or to prepare for when we are appearing for Goldman Sachs related to the aptitude, doing the DSA part, interview experiences, personal behavior experience, right. So we are going to demystify all those things, because if we specifically talk about Goldman Sachs, so Goldman Sachs is the multinational investment bank and financial service company in America, right. And if you want to get into like if I specifically say ki hame Goldman Sachs mein kyon jana chahiye ya kya reasons hai, so first of all compensation is really great. And work-life balance, if we talk about work-life balance bhi wahan ka bahut acha hai jis tarike se log kaam karte hain. And of course you will also get to work with the greatest minds who are already working in the company, to aapko unse bhi bahut kuch seekhne ko milega, right. And another thing, like why should you target Goldman Sachs is, first of all, the first reason that I would get is like iske liye koi bhi criteria nahi hota hai. Every BTech branch, chahe aap ECE se ho, electrical se ho, mechanical se ho, civil se ho, koi farak nahi padta, IT se ho, kisi bhi branch ka koi criteria nahi hai. सब लोग एलिजिबल हैं. सो दैट मेक्स इट वेरी यूनिक, क्योंकि हर किसी के लिए ओपन है. अनदर थिंग इज, इसकी दो ऑफ कैंपस होती हैं. फर्स्ट जो ड्राइव होती है वो इसकी होती है और सेमेस्टर में, कंसीडरिंग जब फिफ्थ सेमेस्टर या सेवन्थ सेमेस्टर में होते हो आप अपने, तो उस दौरान होती है जब. तो इसके जो एप्लीकेशन निकलते हैं वो निकलते हैं अगस्त के अराउंड में, तो वो आप फिल कर सकते हो. और इफ वी टॉक अबाउट द अदर ऑफ कैंपस ड्राइव, सो दैट अकर्स इन योर इवन सेमेस्टर. सो जब आप सिक्स सेमेस्टर या एट सेमेस्टर में होते हो, तो आपको जनवरी के अराउंड या जनवरी एंड में इसके जो एप्लीकेशन है निकलते हो, तो वो आप फिल कर सकते हो. एंड योर क्राइटेरिया या जो भी आपके इंटरव्यू वगैरह ये सब शेड्यूल हो गए, तो आपको अप्रैल में या अप्रैल मिड अप्रैल और अप्रैल एंड तक आपका मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है, राइट. सो दिस इज द वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू, दैट व्हाई शुड यू टारगेट और व्हाई शुड यू चूज द ऑफ कैंपस ड्राइव और लाइक व्हाई शुड यू चूज द गोल्डमैन सैक्स स्पेसिफिकली, राइट. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द गोल्डमैन सैक्स सीटीसी एंड द स्टाइपेंड, सो इफ वी टॉक अबाउट द सीटीसी, तो इसका सीटीसी 23 लाख है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ कैंपस. इफ यू आर अप्लाइंग और इफ यू आर अ टीयर वन, इफ यू आर बीइंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टीयर वन कॉलेज आईआईटी से हो आप, तो इसका जो सीटीसी है दैट इज 32 सीटीसी. लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस से हो, यानी एनआईटी, डीटीयू या कोई भी किसी भी कॉलेज से हो, टीयर 3 कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से हो, इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर कॉलेज, तो इसका जो बेस है वो 16 लाख होता है. सीटीसी 23 LP है. ज्वाइनिंग बोनस इसका 3 लाख है एंड परफॉर्मेंस बोनस इसका 4 LP है. तो लाइक इट्स अ रियली गुड चांस कि मतलब अगर आप वो चीजें कर लो तो आपको काफी अच्छा कंपनसेशन मिल जाता है. एंड व्हाइल वी टॉक अबाउट द इंटर्नशिप प्रोग्राम, सो इंटर्नशिप ऑल्सो इंटर्नशिप स्टाइपेंड इज 75,000 पर मंथ, राइट. सो इफ यू वर्क फॉर 2 मंथ्स ओनली, बिकॉज देयर इंटर्नशिप ड्यूरेशन इज फॉर 2 मंथ, तो आप उसमें 1.5 लाख रुपए कमा लोगे, तो बहुत सही चीज है वो. इट्स रियली गुड, राइट. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट, सो इसका जो फर्स्ट राउंड है जो स्टार्ट होता है, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एप्टीट्यूड राउंड. तो एप्टीट्यूड के लिए आपको बहुत सही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एप्टीट्यूड ऐसी चीज है. एप्टीट्यूड नहीं, आई थिंक कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, किसी भी स्किल पे काम कर रहे हो, तो अगर उसमें आपको परफेक्शन लाना है या उसमें आपको अच्छी पकड़ बनानी है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट. यू शुड हैव अ रियली गुड कमांड ओवर एप्टीट्यूड. तो एप्टीट्यूड के लिए आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड स्टूडियो पे ही जा सकते हो आप, राइट. कोड स्टूडियो पे एप्टीट्यूड के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. और अगर आप सीखना भी चाहते हो, लाइक ये तो नहीं प्रैक्टिस वाली बात, क्योंकि इन्होंने गाइडेड पाथ्स बना रखे हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हो. स्पेसिफिकली गोल्डमैन सैक्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी है, जहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो. अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, लाइक इफ समवन रियली वांट्स टू गेट स्टार्टेड विद एप्टीट्यूड, अगर किसी को नहीं आता है एंड दे वांट टू परस्यू अ कोर्स, तो सो देयर इज ऑल्सो अ कोर्स अवेलेबल ऑन कोडिंग निंजास फॉर एप्टीट्यूड, विच आई थिंक अगर आप एज अ बिगिनर हो और सीखना चाहते हो एप्टीट्यूड को, तो दैट इज अ रियली ग्रेट कोर्स, राइट. यू विल ऑल्सो फाइंड द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, क्योंकि होता क्या है, किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आप जनरली ट्रेंड कभी कभी चेंज हो रहा होता है कि वहां पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो वो आप चीजें यहाँ पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ इंटरव्यू में, क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट. तो ये चीजें हो गई. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द क्रैकिंग द टेस्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड राउंड होता है, लेकिन दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑफ कैंपस, दिस इज अ वन कंडीशन. अगर आप ऑन कैंपस में होते हो तो वहां पे आपको एप्टीट्यूड राउंड नहीं देना पड़ता है जनरली. देन वी टॉक अबाउट द ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट. ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, तो वहां पे 1 हार्ड DSA क्वेश्चंस होते हैं,
टू मीडियम डी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं राइट, और आपके 8 लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे आपसे, 7 कोर सीएस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको सी कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स लाइक ओएस डीबीएमएस नेटवर्किंग ये सब चीजें होगी ये पूछे जाएंगे। देन आपको एक शॉर्ट ऐसे भी दिया जाएगा वो भी आपको लिखना होगा लाइक व्हाई गोल्डमन सैक्स शुड चूज यू और व्हाट इंपैक्ट विल यू मेक इन द कंपनी राइट। सो आई मीन दे शुड रियली फील दैट यू आर रियली सीरियस अबाउट और गेटिंग ओवर हियर ओके। सो दिस इज वन टाइम। इफ वी टॉक अबाउट द फुल टाइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस और द इंटर्नशिप इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो देर आर जनरली 2-3 इंटरव्यू राउंड्स दैट ऑल्सो फोकस ऑन पजल एंड कोर सीएस फंडामेंटल्स एंड 2-3 डीएसए क्वेश्चन। सो जनरली यही होता है, लेकिन अगर हम फुल टाइम की बात करें तो फुल टाइम पे कभी कभी वो आपसे 3-4 इंटरव्यू रखवा लेते हैं इन द केस दे आर डाइसी लाइक दे आर नॉट श्योर दैट दे शुड टेक यू, मतलब आपके प्रोफाइल के साथ आगे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए राइट। ये सब चीजें हो गई। फिर इसके बाद में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएसए के लिए, तो डीएसए के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत पहले होनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप 3 मंथ में कोई भी कंपनी क्रैक कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल राइट, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अदरवाइज आप चीजें मैस कर दोगे इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट कंपनी राइट। तो उसके लिए आपको डीएसए मतलब ये सब चीजें आनी चाहिए, एरे स्ट्रिंग रिकर्शन लिंक लिस्ट ट्री ये सब चीजें डीएसए से आपको काफी अच्छा फैमिलियर होना चाहिए एंड नॉट ओनली दिस फैमिलियर होना चाहिए बट आपकी कमांड भी अच्छी होनी चाहिए। सो इफ आई टॉक अबाउट किस तरीके से आप इस चीज को बढ़ा सकते हो या कर सकते हो, सो इफ आई टॉक अबाउट द हार्ड लेवल, सो ये जनरली लीड कोड मीडियम या हार्ड की तरफ डेविएट करते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे राइट। अब आप उसको किस तरीके से कर सकते हो, डीएसए को को सबसे बेस्ट करने का तरीका जो रहेगा वो होगा जितने ज्यादा आप ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट दे सकते हो उन्हें देने की कोशिश करो, जितने भी ज्यादा कोडिंग कॉन्टेस्ट है कोर्स स्टूडियो पे प्लेटफॉर्म पे हर दूसरे दिन कोडिंग कॉन्टेस्ट हो रहे होते हैं, अगर आप वो नहीं दे सकते हो तो लीड कोड पे डेली चैलेंज चल रहा होता है, लीड कोड पे आप वीकली और बाई वीकली कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो वीकेंड के टाइम पे। सो देयर आर लॉट ऑफ, क्योंकि डीएसए की अगर बात करें तो डीएसए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहोगे, प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो आपकी ग्रास्प हो जाएगी राइट। एंड द अदर थिंग इज कि एप्टीट्यूड में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार जैसे फर्स्ट राउंड अगर एप्टीट्यूड है ऑफ कैंपस में तो वो नहीं निकालना चाहिए या उसमें बस कट ऑफ निकाल लो दैट इज मोर देन इनफ, नो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक्चुअली लास्ट में आपका ओवरऑल या एवरेज निकालते हैं, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपने जो एप्टीट्यूड राउंड है उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट दे देगा जब लास्ट में आपका ओवरऑल स्कोर निकाला जा रहा होगा, तो वो आपको एक एज दे देगा। तो डू नॉट थिंक कि आपको एप्टीट्यूड वाला पॉइंट नहीं करना है। एप्टीट्यूड के लिए कहाँ से तैयारी करनी है मैंने आपको बताया, जैसे कोर्स स्टूडियो पे देख सकते हैं, उसके अलावा आप इंडिया विक्स पर जा सकते हैं, इंडिया विक्स पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कोडिंग से रिलेटेड। अदर देन दैट जैसे मैं पजल की बात कर रहा था, तो पजल पे आप जीएफजी पे या फिर हमारे इसी पे जा सकते हैं, कोर्स स्टूडियो पे भी बहुत सारे पजल्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो कंपनी वाइज आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। लाइक अगर आप गोल्डमैन सैक्स डालोगे गोल्डमैन सैक्स कोडिंग निंजा, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, आर्टिकल्स आर देयर, वीडियोज आर देयर, क्विजेज आर देयर, मॉक टेस्टेज आर देयर, कोडिंग कॉन्टेस्ट आर देयर, सो यू get to learn a lot. So वहाँ पे एक bundle बना रखा है company wise, so that will really help you a lot. And I'll ask you guys to go through this, right? You'll find the link in the description. So do make sure that you do check out the courses and you do go through that content of Goldman Sachs which they are on the Coding Ninjas website. So you'll get to learn a lot, right? Other than that, of course, as we were discussing about that aptitude part. So aptitude part इतना easily नहीं आता है, तो उसके लिए काफी speed बढ़ानी होती है, क्योंकि वो question अगर आप 5 मिनट में कर रहे हो तो लेकिन आपको number of questions जल्दी करने हैं राइट, तो जल्दी करने हैं तो उसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी आनी चाहिए, तो उसके लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एप्टीट्यूड के लिए, मतलब एप्टीट्यूड मैं नहीं कहूंगा कि हो सकता है एक बार को डीएसए अगर आदमी जल्दी सीख सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड इतना जल्दी नहीं आता, क्योंकि स्पीड बढ़ानी होती है, वहां पे स्पीड का ज्यादा फंडा होता है। तो अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड के लिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं राइट, टाइम बाउंड लगा के देखिए ये सब चीजें करिए ओके। उसके बाद में जब आप करते हैं तो गुड एंड इफेक्टिव आंसर देने की कोशिश करिए, लाइक जब भी आप टेक्निकल आंसर्स दे रहे हैं या जो भी पैराग्राफ ले रहे हैं, सो दे शुड रियली फील कि आप पैशनेट हो उस चीज को लेके एंड यू विल रियली मेक अ इंपैक्ट इफ दे हायर यू, ये सब चीजें होनी चाहिए। देन आल्सो प्रिपेयर अ गुड आंसर फॉर टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड यू शुड आल्सो टेल अबाउट योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स एंड देन डेविएट द इंटरव्यू टुवर्ड्स दैट, लाइक इट शुड बी मोर फोकस और टुवर्ड्स योर बिहेवियर, सो दे डू आल्सो चेक द बिहेवियर आल्सो। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर गोल्डमैन सैक्स राइट, बिकॉज ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन इफ यू आर अप्लाइंग ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस, बिकॉज ऑन कैंपस में जब आप दे रहे होते हो तो वहां पे आपको एक एज हो जाता है कि वहां पे आपको जनरली जो एप्टीट्यूड राउंड है वो नहीं देना पड़ता है, आपका जो मेन राउंड है वो ये होना चाहिए। बट द थिंग इज अगेन द थिंग इज कि आपको किसी एक चीज पे नहीं है, यू शुड आल्सो हैव टू नाइस टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ दैट। तो आप अगर डीएसए में और बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल्स की उसमें अच्छे हो और एप्टीट्यूड में अच्छे हो, तो आपके लिए इट वुड बी अ रियली ग्रेट चांस कि आप एक्सेल कर पाओगे 3 मंथ्स के अंदर। सो इट वुड बी मोर काइंड ऑफ, अगर आपके पास 3 मंथ का एग्जैक्ट टाइम है या कम टाइम बचा हुआ है कंसिडरिंग, तो जितना ज्यादा हो सकता है टेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट
प्रैक्टिस वाइज मॉक टेस्ट वगैरह ये सब लगाने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट इज रियली हार्ड, राइट? तो यही सब चीजें हैं. आई थिंक इट वुड बी रियली हेल्प फॉर यू टू गेट इन टू गोल्डमैन सैक्स. सो या थैंक यू. दिस इज मी योगेश फ्रॉम कोडिंग निंजास. सीइंग ऑफ. बाय बाय.